वेलकम स्टूडेंट, आज हम संस्कृत सुधा के षष्ठा पाठ यानी लेसन सिक्स के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग अपनी अपनी बुक ओपन कीजिए और पेंसिल लीजिए साथ में। पेज नंबर 33 ओपन कीजिए। 33 से लेसन सिक्स का एक्सरसाइज शुरू होता है और उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1, उचित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए बॉक्स में यहाँ पे अहम और तुम दो शब्द दिया हुआ है, जिसको आपको नीचे जो वाक्य लिखे हुए हैं उसमें रिक्त स्थान में भरना है। अहम मीन्स मैं और तुम मीन्स तुम, हो गया बच्चों। देखिए पाठ में जैसा कि आपने पढ़ा है, अहम के साथ जो धातु दी गई है उसमें आमी प्रत्यय ऐड हुआ है, यानी उसके वर्ब में आमी प्रत्यय ऐड हुआ है और तुम के साथ अस ऐड हुआ है। तो चलिए देखते हैं किसके साथ क्या भरा जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए, आप लोग अपनी बुक में देखिए रिक्त स्थान में भरना है, हम केवल जो भरना है वही शब्द लिखते हैं। डैश पठस, देखिए पठस में सा पर छोटी की मात्रा आई है पठस, तो क्या लगेगा इसमें तुम लगेगा। तो का में हम क्या भरेंगे तुम, ये देखिए तुम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ माँ के नीचे हलंत है। फिर खा देखिए डैश गच्छामि, आम लिखा गच्छ में आम लगा हुआ है जो कि अहम के साथ लगता है। तो खा में क्या भरेंगे हम अहम, देखिए दोनों तरह से लिख सकते हैं, या तो हा के ऊपर हम बिंदी लगा दें, या अगर हम बिंदी नहीं लगाते हैं तो माँ और हलंत लिखे, दोनों सही होता है। गा देखिए डैश निवससी, सा पर छोटी की मात्रा दी हुई है तो यहां पर हम तो हम लगाएंगे। घा में देखिए डैश हसस, इसमें भी हस में सा पर छोटी की मात्रा, तो यहां पर भी हम तो हम लगाएंगे। अंगा देखिए अंगा में डैश खेलामी, खेल में आम जुड़ा हुआ है यानी यहां पर अहम लगाएंगे। उत्तम पुरुष का एक वचन। कर लीजिए इसको जल्दी, देखिए का में तुम, खा में अहम, गा में तुम, घा में तुम और अंगा में अहम, ये भरा जाएगा हमें। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, देखिए रेखांकित पदों को शुद्ध कीजिए। यहाँ पे एक उदाहरण देकर बताया गया है, सह कुत्र पठसि, तो सह के साथ क्या आएगा, पठस दिया हुआ है धातु, यानी वर्ब जो दी गई है वह पठस दी गई है, तो सह के साथ पठति आएगा। तो केवल हमें जो धातु है यानी धातु मतलब क्रिया, तो उसी को केवल करेक्ट करना है। इसी तरह से काम में देखिए अहम तत्र पठसि, पठस के नीचे अंडरलाइन है यानी जो अंडरलाइन है वही शब्द जो है गलत है, अशुद्ध है, उसी को हमें शुद्ध करना है। तो अहम के साथ क्या आता है, देखिए आपका वाक्य जो है अहम से शुरू होता है, अहम के साथ क्या आता है, धातु में आमी लगा होता है, तो पठ के पठ में सी लगा यहाँ पे, तो पठ में क्या लगेगा आमी लगेगा, यानी जो शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा पठामी होगा। दूसरा काम में क्या हो जाएगा पठामी हो जाएगा। खा में क्या दिया है तम कुत्र पठति, अब देखिए वाक्य शुरू हुआ है तम से और वर्ब क्या है धातु, वह पठति दिया है, तो जब वाक्य तम से शुरू है तो धातु क्या होगा पठ में सा पर छोटी की मात्रा जुड़ जाएगी, तो क्या बन जाएगा पठस, ये हो गया आपका पठस। पेज टर्न कीजिए, अब पेज नंबर 34 पे देखिए, 34 पे गा सह कुत्र गच्छसि, अब देखिए सह के साथ यहाँ पर क्या लगा है गच्छसि लगा है, जो क्या हो जाएगा गच्छति हो जाएगा। घा में देखिए अहम तत्र गच्छति, अहम से शुरू है और दिया क्या है गच्छति, तो क्या हो जाएगा गच्छामि हो जाएगा। अंगा में देखिए तुम अत्र गच्छामि, तुम से शुरू है तो गच्छसि हो जाएगा। अब भरिए इसको। गा में गच्छत, क्या हो गया
घा में देखिए गच्छति दिया है, अहम से शुरू है तो ये गच्छामि हो जाएगा। और अंगा में देखिए तुम अत्र गच्छामि, तुम के साथ गच्छामि दिया है जो कि गच्छ से होगा। चलिए भरिए इसको। क्वेश्चन नंबर टू में का में देखिए पठामि, खा में पठस, गा में गच्छति, घा में गच्छामि और अंगा में गच्छसि। ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। और नंबर तीन देखिए, नंबर तीन हम बोल रहे हैं आप लोग इसको कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए उदाहरण दिया है त्वम पठसि, पठ को ब्लैक रंग से लिखा गया है मतलब ये हमारा धातु है और उसमें सा पर छोटी ई की मात्रा जो है रेड से, रेड कलर से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि जब तुम से शुरू हो रहा है सेंटेंस तो उसमें जो वर्ब होगा, जो धातु होगी, उसमें सा पर छोटी ई की मात्रा जोड़ी जाएगी। एक उदाहरण बताया गया और इसी तरह से नीचे दिया हुआ है, तो सब में सा पर छोटी ई की मात्रा जुड़ेगी। तुम लिख दिया है तो लिख में आगे आप सा पर छोटी ई की मात्रा बढ़ा दीजिए। हम बोल रहे हैं आप लोग कीजिए, क्योंकि तुम के साथ सा पर छोटी ई की मात्रा लगाई जाएगी वर्ब में और अहम के साथ धातु में आ में लगाया जाएगा, आ की मात्रा बड़ा आ और मां पर छोटी ई की मात्रा आ में लगाया जाएगा। तो चलिए पहले तुम लिख दिया है, लिख के आगे सा पर छोटी ई की मात्रा लगाइए, हो गया। फिर देखिए तुम वद से, वद दिया है सा पर छोटी ई की मात्रा, लिख दे क्या हम ये देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री का जो दिया है तुम दिया है और क्या दिया है लिख दिया है। अब इसके आगे हम सा पर छोटी की मात्रा लगा देंगे, तुम लिखसी हो गया। उसके बाद में क्या है तुम वद दिया है, तुम वद दिया है तो इसके आगे हम सा पर छोटी की मात्रा लगा देंगे तो वदसी हो गया। फिर क्या दिया है तुम हस दिया है, देखिए तुम दिया है और इस तरह से हस दिया है तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे सा पर छोटी की मात्रा, मतलब जितने वाक्य में जिस सेंटेंस में तुम से शुरू होगा सेंटेंस उसमें हम सा पर छोटी की मात्रा लगा देंगे। तुम हससी हो जाएगा। फिर तुम चल दिया है, तुम चल दिया है तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे सा पर छोटी की मात्रा, तुम चलसी। फिर क्या दिया है तुम पच दिया है तो इसके आगे भी हम सा पर छोटी की मात्रा लगा दे जो बन गया पचासी, तुम पचासी। क्या क्या हो गया तुम लिखस, तुम वदस, तुम हसस, तुम चलस और तुम पचस, ये हो गया। अब आगे में दिया है दूसरा उदाहरण दिया अहम पठामि, अहम अहम के साथ शुरू हुआ है तो धातु में आम लगा हुआ है यानी पठ में आम, बड़ा आ की मात्रा मां पर छोटी की मात्रा लगा है। इसी तरह से नीचे जो दिया है उसमें भी लिखा जाएगा। क्या दिया है अहम, लिख दिया है तो इसमें आ की मात्रा और मां पर छोटी ई की मात्रा देखिए इस तरह से लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा लिखामि, अहम लिखामि। फिर क्या दिया है अहम वदा दिया है, देखिए अहम यहाँ पे देखिए व द पे आ की मात्रा दिया हुआ है तो इसमें हम केवल मां पर छोटी ई की मात्रा लगाएंगे वदामि। फिर क्या दिया अहम हसामि, हस सा पर आ की मात्रा दी, देखिए सब में दी, अभी मैंने कहा कि आ में लगाते हैं आ की मात्रा और मां पर छोटी की मात्रा लगाएंगे लेकिन इसमें देखिए आ की मात्रा दी हुई है इसलिए आप केवल मां पर छोटी की मात्रा ही आगे बढ़ाएंगे। तो ह सा पे आ की मात्रा दिया है, मां पर छोटी की मात्रा लगा देते हैं, हसामि हो गया। फिर क्या दिया है अहम चलामि, अहम दिया है और इसके साथ चला लापे आ की मात्रा दिया, अहम चला लिखा हुआ है इसमें हम मां पर छोटी की मात्रा लगाएंगे, चलामि हो गया। फिर आखिरी में क्या है अहम पचा,
चा परा की मात्रा दिया है तो मा पर छोटी की मात्रा हम बढ़ा देते हैं। अहम पचामि क्या बन जाएगा हमारा, अहम लिखाम, अहम वदाम, अहम हसाम, अहम चलाम और अहम पचामि, ये दिया है। क्वेश्चन नंबर थ्री यही खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए, मेल करना है, एक तरफ चित्र दिया है तो इसको हम बोल रहे हैं आप लोग मिलान कीजिए। देखिए अहम पठामि, देखिए दो जगह पुस्तक ओपन है, पुस्तक खुली हुई है दो जगह, तो आप ध्यान दीजिए कि एक जगह पेन भी है पुस्तक के साथ, तो जहां पेन होगी वहां लिखने का काम हो रहा है और जहां केवल पुस्तक खुली हुई है वहां पर पढ़ने का काम हो रहा है। तो अहम पठामि जो है सबसे नीचे, सबसे नीचे वाला चित्र देखिए, लड़का पढ़ रहा है ना, वहां से ले जाकर मिलाइए सबसे नीचे वाले चित्र से। खामे देखिए, तुम लिखासी, अब नीचे से दूसरा नंबर लड़की लिख रही है, उसमें बुक है देखिए, उसमें लिखने का काम हो रहा है, कॉपी है, कॉपी में लिखा जा रहा है, लड़की लिख रही है, तो तुम लिखासी खा को नीचे से दूसरा वाला चित्र जो है उससे मिलान कीजिए। गा में देखिए, तुम पश्यसी, तुम देखती हो, पहला चित्र उससे मिलाइए, पश्य मीन्स देखना। घा देखिए, अहम पचामि, माँ देखिए दूसरे चित्र में खाना पका रही है तो उसमें मिलाइए अहम पचामि। हो गया। अंगा देखिए, तुम क्रीडसि, खेलते हो, जहां पे लड़का बॉल से खेल रहा है तुम क्रीडसि, इसको इससे मिलाइए, तीसरे वाले चित्र से मिलाइए। हो गया। तो बच्चों इसी के साथ ही या इस लेसन के एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होता है। बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को मीना ट्यूटोरियल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।